नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ले चलूंगा अंडमान निकोबार के एक छोटे से आइलैंड पर जिसका नाम है चैथम आइलैंड, और उस पर बनी है चैथम सॉमिल जिसको सरकारी सॉमिल भी बोलते हैं। दोस्तों, चैथम आइलैंड की जो खोज है वो 1789 में हो गई थी लेफ्टिनेंट आर्चिबोल्ड ब्लेयर द्वारा, जो कि अपने द्वीपों का खोज के लिए आया था इंग्लैंड से। ब्रिटिश एक्सपेडिशन के दौरान बहुत सारे द्वीप को खोजा, उसमें से ये भी एक द्वीप था जिसका नाम चैथम आइलैंड बाद में पड़ा। तो उस दौरान उसका जहाज एक छोटे से का नाम आज के नाम से वाइपर आइलैंड है। जिस जहाज पर वो सवार होके आया था उसका नाम भी वाइपर था, और उसी के नाम से उस आइलैंड का नाम वाइपर आइलैंड रखा गया। दोस्तों, इस आरा मिल की जो शुरुआत है वो 1883 में हो गई थी। अंग्रेजों ने इसको लोकल जो लोगों की ज़रूरतें हैं और अपने सरकारी कर्मचारियों की जो ज़रूरत है, सरकारी इमारतों के लिए जो ज़रूरत है, उसके लिए इस आरा मिल का निर्माण किया था। लेकिन यहाँ की लकड़ियाँ इतनी सुंदर और मजबूत थी कि यहाँ की जो लकड़ियाँ हैं वो ब्रिटेन और इंग्लैंड तक पहुँचाई जाने लगी वहाँ की लोकल ज़रूरतों के लिए। तो ये दोस्तों, आप अभी ले चलूँगा आपको जो चैथम सॉ मिल है वहाँ पर कुछ सावधानियाँ भी लिखी हुई हैं। तो दोस्तों, अंदर जाकर देखते हैं एशिया का सबसे पुराना सॉमिल कैसा दिखता है और कैसे काम करता है। वैसे इस समय ये मशीन अभी बंद है तो आपको चलती हुई नहीं दिखाई देगी, लेकिन यहाँ बहुत सारी लकड़ियाँ हैं, बहुत मोटे मोटे लक्कड़ आपको दिखेंगे। वो लक्कड़ जो हैं यहाँ मैनुअली तरीके से, ज़्यादातर काम मैनुअली होता है और मैनुअली तरीके से लाया जाता है, और लाकर इनको यहाँ मशीनों द्वारा काटा जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं, इन्हीं मशीनों के द्वारा यहाँ पर जो लकड़ियाँ हैं उनकी कटाई की जाती है और लोकल यूज़ के लिए उनको भेजा जाता है। ये आप देख सकते हैं, इतना जो बड़ा आरा है ये क्या है, लकड़ी को बीच से चीरने के लिए है। जो मोटे मोटे लक्कड़ आते हैं उनको चीरने के लिए ये आरा यूज़ किया जाता है। और ये सारी मशीनें जितनी भी हैं, सारी की सारी मशीनें अंग्रेजों के द्वारा ही बिठाई गई थी, और ये सेकेंड हैंड मशीनें इंग्लैंड से मंगाकर यहाँ बिछाई गई थी। ये इस तरफ देख सकते हैं, बैक साइड में क्या है, सी वाटर है, सी समुंदर से जुड़ा हुआ ये आरा मशीन का सेंटर है। यहाँ से जो भी लकड़ियाँ आती हैं बोट के द्वारा आती हैं, वो यहाँ समुंदर में उतार करके यहाँ से धीरे धीरे ऊपर ली जाती हैं मैनुअली या थोड़ा सा मैकेनिकली तरीके से। और ये इनका कंट्रोल रूम है जहाँ से ये मशीनों को इलेक्ट्रिक उनकी जो सप्लाई है वो कंट्रोल करते हैं। ये देखिए कितने मोटे मोटे लॉग्स हैं, कितने मोटे मोटे ये ला करके यहाँ रखे हैं। ये यहाँ से लकड़ी जो जो बीच में आपको नाली सी दिख रही, यहाँ से जो है ना, और जो मोटा लकड़ है उसको खींच कर चेन के द्वारा खींच कर आगे लाया जाता है। ये सारे लकड़ चेन के द्वारा यहाँ से चेन से ही ऊपर लाए जाते हैं, और वहाँ से खींच कर यहाँ तक लाया जाता है, और लाने के बाद धीरे धीरे आगे ड्रैग करके और फिर मशीनों तक पहुँचाया जाता है। तो दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है और वीडियो में आपको क्या क्या चीज़ें नई लग रही हैं या क्या चीज़ें स्पेशल लग रही हैं। तो अभी इस मशीन की यात्रा यहाँ कंप्लीट होती है, और अब जाते हैं इनके जो वेयर हाउस है, गैरेज है। ये जो ट्रैक दिखाई दे रहे हैं इन पे जो छोटे छोटे ट्रेल जो जो ट्रेन के जो बोगी टाइप की होती हैं वो उससे लकड़ियाँ आगे ले जाने में हेल्प होती है। तो ये इनका वॉर मेमोरियल था, और अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ये इनका ऑफिस एरिया है जहाँ पर इनका स्टाफ बैठता है, और यहीं पर ये फ्रंट एरिया है लगभग। तो आप देख सकते हैं ये इसकी स्थापना 1883 में हुई थी, और ये ट्रैक है जहाँ जिसके थ्रू ये ट्रेन के जो ट्रैक हैं उस टाइप के ट्रैक हैं, इनसे लकड़ियाँ ले करके अंदर बाहर लाने के लिए काम में ली जाती हैं ये ट्रैक्स।
तो ये देख सकते हैं आप, इतने सारे लकड़ियां रेडी करके बाहर लेके आए हैं। ये है दोस्तों म्यूज़ियम, चैथम सॉ मिल का म्यूज़ियम है जो कि डिस्प्ले के लिए यहाँ लगाया गया है। और इस म्यूज़ियम में बहुत सारे ऑफ कट अलग अलग टाइप के चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं डिस्प्ले के लिए। जैसे देख सकते हैं तितली का एक डिस्प्ले रखा हुआ है और बहुत सारी चीज़ें इसमें रखी गई हैं जिससे लोगों को ये देखने को मिले और ख़रीदना चाहते हैं तो वो लोग ख़रीद सकते हैं। ये चेयर एकदम महाराजा टाइप की चेयर है, वो चेयर भी दोस्तों यहाँ पर जितने भी डिस्प्ले रखे गए हैं ज़्यादातर पडाक की लकड़ी से बनाए गए हैं और ये इसी सौ मिल में बनाए गए हैं। ये देखिए महाराजा चेयर बनाई गई है, ये लगभग जितने भी बनाए गए हैं सारे इसी मिल में बनाए गए हैं। ये जो डियर का सींग है ये भी यहीं बनाया गया है। जितने भी चीज़ें हैं सारी इसी म्यूज़ियम में या इसी सौ मिल में बनाई गई हैं। कुछ पुरानी फ़ोटोज़ हैं जब यहाँ हाथी लाए गए थे अंग्रेज़ों द्वारा, हाथियों का इस्तेमाल अंग्रेज़ जो भारी भारी जो लकड़ियाँ होती थी उनको जंगल से ढोने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हाथी का यूज़ किया करते थे। तो उस समय की जो चीज़ें हैं, कुछ पुरानी चीज़ें हैं वो यहाँ पर दिखाई गई हैं। और ये यहाँ का जो शॉप है वो है वहाँ से, यहाँ से आप जाते हुए सामान खरीद सकते हैं और ले जा सकते हैं अपने साथ, जो सरकारी रेट है उसके अनुसार ये मिल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, जहाँ 10 मार्च 1942 को बम गिराया गया था जापान के द्वारा ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो वो जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है वो जगह, अभी पानी भरा हुआ है, काफ़ी इसमें पानी भरा हुआ है तो जिसकी वजह से आपको गड्ढा छोटा भी दिखाई देगा। लेकिन यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत भयंकर युद्ध हुआ था और अंग्रेज़ों और जापानियों के बीच में, अंग्रेज़ को यहाँ से भगा दिया था जापानियों ने। तो 1942 से 1945 तक अंग्रेज़ इसी आइलैंड पे थे, उसके बाद ही जो है अंग्रेज़ों ने इसको, जिस आइलैंड को नेताजी सुभाष को हैंडओवर किया था। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा, कुछ अगर गलती है या सुधार की ज़रूरत है तो भी आप मुझे लिख सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, धन्यवाद।